हेलो जी, मैं हूं आपका पंजाबी मुंडा और मैं लेके आया हूं गगन देसी तड़का। यहां लगेगा मजेदार तड़का और बनेंगी बिल्कुल सरल रेसिपीज, ऐसी रेसिपीज बिल्कुल मजेदार हो, जो चटाकेदार हो, आपका परिवार खा के बिल्कुल मगन हो जाए। अब मैं बिल्कुल पंजाबी वाली रेसिपी बना रहा हूं जो बहुत मजेदार है। पंजाबियों में गाजर मटर का पुलाव जरूर बनता है और जब भी हमारे घर में ऐसा कुछ बनता है ना, तो उसके साथ और कुछ नहीं बनता, सिर्फ रायता होता है और ये पुलाव होता है। इतना स्वादिष्ट होता है, पूछिए मत। आज आपके लिए यही बना रहा हूं। अजी, गाजर मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले देसी गाजर चाहिए और सर्दियों में बहुत बढ़िया देसी गाजर मिलती है। इनकी मिठास ज़्यादा होती है, इनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए ये यूज़ करते हैं, ज़्यादा बनता है। वैसे साल भर आप बना सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल लाल लाल गाजर ले लें। बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है कि काटना कैसे, ठीक है जी। ये जो गाजर है, ये देखिए, और क्योंकि गाजर मटर पुलाव बना रहे हैं, मटर के शेप में ही गाजर काटनी चाहिए आपने। ये देखिए, इससे बड़ा गाजर नहीं कटना चाहिए। ये लीजिए, वाह, ये गाजर मैंने पहले से भी कुछ काट के रखी है, ये ले लेते हैं। अब इस पुलाव के लिए बढ़िया क्वालिटी की बासमती भी चाहिए और पंजाब में बासमती की बहार है जी। हमने यहाँ पे बासमती राइस सोख करके रखा है, लगभग 2 कप बासमती सोख रखा है। यहाँ पे 1-1 कप गाजर और 1 कप मटर, ये भी लेके रखे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। बनाएंगे प्रेशर कुकर में। ये लीजिए, ये पुलाव की एक खास बात आपको बताऊं कि ये पुलाव वनस्पति में बनता था और मेरी बेबे भी वनस्पति में बनाया करती थी, इसलिए बड़ा मजा आता था खाने में। आज आपके लिए वनस्पति में बना रहा हूं और ये मैं गगन वनस्पति यूज कर रहा हूं। खाओ गगन, रहो मगन, वाह। चलिए ये लीजिए, बढ़िया वनस्पति लेते हैं। अब पुलाव है, 3 से 4 बड़े चम्मच वनस्पति के लेंगे हम। ट्रेन से जब भी ट्रैवल करते थे तो तब बेबे सब चीज़ें जो टिफ़िन में पैक करती थी, वो सारी चीज़ें वनस्पति में बनाया करती थी। बड़ी इंपॉर्टेंट, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है जी। इसमें डालेंगे तेज पत्ता, 2 तेज पत्ता डाल लें, और इसमें डालेंगे बड़ी इलायची, और बड़ी इलायची को हल्का सा खोल दीजिए वरना ये इलायची फटती है। 1 बड़ा चम्मच काली मिरी, होल ब्लैक पेपर, ये डाल लेते हैं, और इसके साथ साथ 1 छोटा चम्मच जीरा, लौंग के दाने 4-5, ये लौंग के दाने डाल लेते हैं, और हम इसमें गाजर डाल लेते हैं। अब गाजर के साथ साथ हरे मटर, गाजर और मटर अगर आपने फ्रेश यूज किए हैं तो थोड़ी देर भून लें ताकि दोनों पक जाएं। इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लें, उसके लच्छे काट लें, और नेक्स्ट स्टेप राइस डाल देते हैं, बासमती चावल, ठीक है जी। बासमती चावल के साथ नमक स्वाद के हिसाब से डाल लें, ये लीजिए, ठीक है जी, और थोड़ा सा पुदीना के पत्ते, ये लीजिए, ये ले लेते हैं, ये डाल लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा बदलाव ला रहा हूं, और मिक्स कर लें, एंड फाइनली इसमें ये मेरी देसी सुराही के साथ पानी डाल लेते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल करेक्ट पानी डल गया, ये लीजिए, ढक्कन लगा लेते हैं। 3 विसल्स में पुलाव तैयार। उसके बाद क्या, बढ़िया रायता मिल जाए तो मजा आ जाए। 3री सीटी जैसे ही बजती है, मतलब पुलाव तैयार। आप गैस अपना बंद कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे इंडक्शन बंद कर दिया। खुशबू जो पुलाव की आ रही है ना यहाँ पे, मटर और गाजर के संग, मज़ा आ रहा मुझे भाई। मैं आपके लिए परोसता हूँ, और परोसने के लिए ये लीजिए, और ये लीजिए, वाह क्या बात है। पुलाव का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, कोने से डालिए और हल्का सा ऊपर उठाइए, खोलिए, और धीरे से मिक्स करना है आपने, राइस के दाने टूट जाएंगे वरना। और इस पुलाव की खास बात यही है
कि इसकी खुशबू लाजवाब है और परोसने के लिए मैंने बोल ले रखा है। और ये लीजिए, परोस लेते हैं। ये लीजिए, ये देखिए राइस के दाने, देखिए पुलाव को थोड़ा पुदीना के संग गार्निश कर लेते हैं। भाई पुलाव इतना मजेदार है पूछिए मत, हेल्दी है, इसमें गाजर मटर ढेर सारा हमने डाला है और गगन वनस्पति के कारण फ्लेवर भी मजेदार है। तो जी परिवार को खिलाइए, मजे करिए और चटकारेदार रेसिपीज के लिए देखते रहें गगन देसी तड़का।